नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल Sky is to Fly में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि क्या सोलमेट्स कार्मिक हो सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि आजकल कॉस्मोस में एनर्जीज ही ऐसी चल रही हैं कि सबके कार्मिक अकाउंट्स बहुत जल्दी जल्दी क्लियर हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सोलमेट्स और कार्मिक्स में क्या डिफरेंस है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे तरह से समझने के लिए मैंने इस वीडियो को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि सोलमेट, कार्मिक और ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस है, और सेकेंड पार्ट में हम ये जानेंगे कि क्या सोलमेट कार्मिक हो सकते हैं। जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। जानते हैं कि सोलमेट, कार्मिक और ट्विन फ्लेम्स में क्या डिफरेंसेस हैं। जो सोलमेट होता है वो शख्स होता है जो हमारी सोल ग्रोथ में हेल्प करता है। अब हेल्प कैसे करता है, ये बहुत ही पोलाइट होते हैं, बहुत ही लवेबल होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके हमारे साथ तालमेल बहुत अच्छा बैठता है और ये हमारी सोल को हमेशा अपलिफ्ट करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे कपल्स को देखा होगा, कभी उनमें झगड़ा ही नहीं होता, इतना ज़्यादा प्यार होता है, तो वो कपल्स असल में सोलमेट्स होते हैं। और हाँ, सोलमेट एक नहीं, सोलमेट बहुत सारे हो सकते हैं। ये हमारी सोल ट्राइब में होते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स भी आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स में भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके कोई सिबलिंग आपके सोलमेट हो सकते हैं, या फिर आपके बच्चों में से भी कुछ आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम आगे चले तो कार्मिक्स की बात आती है। जो कार्मिक्स होते हैं ये भी हमारी सोल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमारी सोल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं कि ये लोग हमें हमेशा ट्रिगर करेंगे, ये हमें हमेशा नीचे खींचेंगे, बहुत ही हमारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव करेंगे, ये वो वैसा बिहेव हमारे साथ करेंगे जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक्चुअली क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐसे होते हैं। इन्होंने हमें हमेशा हमारी कमियां दिखानी होती हैं, नो मैटर जितने भी हम अच्छे बन ले, जो मर्जी कर ले, इन्होंने हमेशा हमें ट्रिगर ही करना है और हमें हमेशा हमारी बुराइयाँ और कमियाँ ही गिनानी है। और ये एक टाइप से हमें बहुत दुख और तकलीफ देके हमारी सोल एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो हमें तब तक ट्रिगर करेंगे, तब तक हमारे साथ सेम चीज़ें करते रहेंगे जब तक कि हम उनसे जो लेसन लेना है, जब तक हम वो नहीं सीख लेते, तब तक इन्होंने सेम चीज़ें रिपीट करते रहना है हमारे साथ। मतलब आपने देखा होगा कुछ कपल्स हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को तकलीफ ही देते हैं, प्यार नाम की तो चीज़ ही नहीं होती उनमें। तो इन केसेस में वो कार्मिक्स होते हैं, एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर्स होते हैं। अब कार्मिक्स भी सिर्फ पार्टनर्स या कपल्स में नहीं होते, कार्मिक्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स में से कोई कार्मिक हो सकता है, आपके सिबलिंग्स में से कोई कार्मिक हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके बॉसेस, आपके कोवर्कर्स में भी कार्मिक्स हो सकते हैं, या फिर आपके बच्चों में से भी आपका कोई बच्चा कार्मिक हो सकता है। तो कार्मिक्स भी सोलमेट की तरह बहुत सारे हो सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सोलमेट जो है वो आपको पुश करते हैं प्यार के साथ, इनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है, तालमेल बहुत अच्छा होता है, और ये आपके लाइफ को बहुत स्मूथ चलने में हेल्प करते हैं बहुत ही प्यार के साथ। और दूसरी तरफ आपके कार्मिक्स जो हैं, करनी तो उन्होंने भी आपकी सोल ग्रोथ है, लेकिन थोड़े हट के, थोड़े बुरे तरीके के साथ, जिससे कि आपको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये आपको आपकी शख्सियत का वो हिस्सा दिखाते हैं, वो आईना दिखाते हैं जो आप यूजुअली देख नहीं पाते। एज आई ऑलवेज से, आर आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आर इनर वर्ल्ड। तो हमें जब तक समझ नहीं होती कि हमारे इनर वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन आउटर वर्ल्ड में कैसे होती है, तो ये हमें वो चीज़ दिखाते रहेंगे, जो चीज़ हमें पसंद है वो
एक्चुअल में हमारे भीतर ही कुछ ऐसा है जिसको हील होना बाकी है, जिसको सही करना बाकी है, जिसको सही करने से हमारे बाहर की जो रिफ्लेक्शन है, जो बाहर की सच्चाई है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आई होप आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में डिफरेंस समझ चुके होंगे। तो तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे ट्विन फ्लेम का। अब ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? ट्विन फ्लेम वो होते हैं जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ्स में बहुत सारी भक्ति या तपस्या करके अपनी लाइफ को इतना ज्यादा असेंड कर लिया था, अपनी कॉन्शियसनेस को इतना ज्यादा रेज कर लिया था कि वो अब एक ही बॉडी में नहीं समा सकते थे। इसलिए उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके दो अलग अलग बॉडीज में डाल के इस धरती पे भेजा जाता था। और ट्विन फ्लेम जो है वो हमेशा एक साथ बर्थ नहीं लेते, ऐसा बहुत जन्मों तक चलता है कि उनमें से एक ट्विन डिसाइड करता है धरती पे आने के लिए और एक ट्विन ऊपर से ही हेल्प करता है अपने दूसरे ट्विन को सही मार्ग दिखाने के लिए। रीजन बीइंग कि जैसे आप जानते हैं कि धरती पे आते ही हम वो सब कुछ भूल जाते हैं जो यहाँ आने से पहले हम होते हैं, जो हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं, जो हमें हमारे टास्क मिले होते हैं यहाँ पे आके करने के लिए, वो सब हम भूल जाते हैं। तो जब जब भी इस धरती को असेंशन के लिए अच्छी सोल्स की ज़रूरत होती है तो ट्विन फ्लेम्स को इस धरती पे भेजा जाता है। अब एक टाइम ऐसा आता है बहुत सालों बाद या बहुत बर्थ्स के बाद कि दोनों ट्विन एक साथ इस धरती पर जन्म लेते हैं और वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे में असेंशन को ट्रिगर करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, असेंशन होती है और उसके बाद भी जब ये मिलते हैं तो इनका ये लास्ट बर्थ होता है इस धरती पे। ये अपनी लाइट स्प्रेड करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, दूसरे लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद करते हैं, इस धरती की वाइब्रेशंस को रेज करने में मदद करते हैं। इनका बेसिकली ये टास्क होता है इस धरती पे। तो जो लोग इस जर्नी को एब्सोल्युटली रोमांटिक जर्नी समझते हैं वो बिल्कुल गलत है। ये जर्नी है एक सोल टास्क की जर्नी जो प्योरली टास्क बेस्ड है, जिसमें आपको अपने आप सबसे पहले खुद की असेंशन करनी है, फिर अपने आसपास के लोगों को असेंशन करने में हेल्प करनी होती है और मदर अर्थ की वाइब्रेशंस रेज करने में हेल्प करनी होती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स इस धरती पे सतयुग को एंकर करने के लिए एंकर्स का काम करते हैं। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। और हाँ, एक जरूरी पॉइंट, ट्विन फ्लेम केवल एक ही होता है। जैसे सोलमेट्स और कार्मिक्स बहुत सारे होते हैं, ट्विन फ्लेम केवल एक ही होता है। पूरे ब्रह्मांड में आपका अगर ट्विन है तो वो केवल एक ही है। आई होप आप अब ये पॉइंट्स बड़ी क्लियरली समझ चुके होंगे। तो आइए अभी पार्ट टू पे चलते हैं। पार्ट टू ये है कि क्या सोलमेट भी कार्मिक हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सोलमेट कार्मिक हो सकते हैं। पर्सनल एग्जाम्पल से बता रही हूँ। आपको कई बार लगता होगा कि आपका कोई भी फैमिली मेम्बर या आपका पार्टनर आपके साथ हमेशा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपने असेंड किया, आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होने का जैसे जैसे टाइम फास्ट होता रहा, क्योंकि जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हैं आपकी असेंशन प्रोसेस फास्ट होता है और आपका कार्मिक बैगेजेस बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होते हैं। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं तेजी से, वैसे वैसे जो लोग आपके साथ अच्छे भी थे वो भी आपके साथ बुरा बर्ताव करने लग गए। जी हाँ, ऐसा होता है। ये होता है जब आपके कार्मिक अकाउंट्स बहुत जल्दी क्लियर होने हैं, तब आपके कुछ ना कुछ कार्मास आपके सोलमेट्स के साथ भी रहते हैं और वो क्लियर होने के लिए आपके सोलमेट्स सडनली कार्मिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो भी आपके साथ क्लैशेस करते हैं, आपको ट्रिगर्स देते हैं और आपके असेंशन में हेल्प करते हैं। एक्चुअली कार्मिक्स को हम बुरा जरूर कहते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ को एकदम हेल बना के रख देते हैं, लेकिन आई वुड से कि कार्मिक्स भी बुरे नहीं होते क्योंकि वो हमें कुछ सोल लेसन सिखा रहे होते हैं। उनका तरीका यही होता है, जब हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं तब सोलमेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि वो हमें हमेशा अपलिफ्ट करेंगे, जहाँ ज़रूरत है वो हमारे साथ रहेंगे और हमें जहाँ प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, वो हमें सपोर्ट करेंगे। और कार्मिक्स का ये होता है, एक जैसे स्कूल में दो टाइप के टीचर्स होते हैं, एक तो बड़े प्यार से काम करवा लेते हैं और दूसरे टीचर जो होते हैं वो हमेशा डंडे के जोर पर ही काम करवाते, तो वो कार्मिक्स होते हैं जो डंडे के जोर पर हमारी असेंशन में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर करने हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए जैसे जैसे आप असेंड होते हो, आपकी कॉन्शियस रेज होती है, आपका असेंशन प्रोसेस स्पीड अप होता है थ्रू थरो इनर वर्क,
जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना होता है, जबकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आपको रेगुलरली आपके कुछ इनर वर्क्स करने होते हैं और आपको जल्दी जल्दी आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने होते हैं। तो थरो इनर वर्क करते करते आपके ये सारे प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाते हैं, ट्रस्ट मी। तो जैसे जैसे आपका असेंशन प्रोसेस स्पीड अप होता है, उस दौरान आपके कार्मिक बैगेजेस भी स्पीड अप होते हैं, इनकी क्लियरेंस बहुत फास्ट होती है। एंड ट्रस्ट मी, ये इजी नहीं होता, बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि कुछ कर्मज अगर आप मान लीजिए 40 साल में काट रहे हैं और वही सारे कर्मज अब आपके एक साल में कटने वाले हैं, तो सोचिए वो कितनी ज़्यादा तेजी से कटेंगे और वो आपको कितनी तकलीफ देंगे, कितना दुख देंगे, आप समझ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है, वो प्रोसेस जब आपका स्पीड अप होता है तो फटाफट से आपके कर्मज क्लियर होते हैं, तब आपके किसी के भी साथ कर्मज ना बचे। इसलिए अगर आपके थोड़े बहुत कर्मज आपके सोलमेट के साथ भी हैं तो वो भी जल्दी क्लियर हो जाते हैं। एंड जैसे ही आपके कर्मज, आपके कार्मिक पैकेजेस आपके सोलमेट के साथ क्लियर होते हैं तो वो वापस से सोलमेट में टर्न हो जाते हैं। आई होप ये पॉइंट अब आपको ठीक से क्लियर हो चुका होगा और मेरी इस वीडियो ने आपको ये कंसेप्ट समझने में मदद की होगी। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज और डाउट्स हैं तो उन्हें मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू कनेक्ट विद यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ जिनके साथ आपको लगता है कि ये किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है, किसी के लिए यूजफुल हो सकती है, उसके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, क्वेश्चंस हैं वो भी शेयर कीजिए। और मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेम्बर द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।